सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को कर्नाटक में विजयनगर में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। यहां उन्होंने रोड शो भी किया और कर्नाटक की पवित्र भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूं ये भी बताया। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और अभी हमने बेटियों की पूजा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हम हर कार्यक्रम कन्या पूजन के बाद प्रारंभ करते हैं। उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस की सरकार के समय भारत की इज्जत नहीं की जाती थी, पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, पाकिस्तान जैसे देश हमें आंख दिखाते थे, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ कांग्रेस। राहुल गांधी की मानसिक आयु 5 साल के बच्चे की है, अभी वो विदेश गए तो उन्होंने भारत की आलोचना कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर संदेह भी जताया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और आज कर्नाटक भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में शामिल है। कर्नाटक में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली है। यहाँ लगातार 5 बार से बालचंद्र जी को आप आशीर्वाद देते रहे हैं, उन्हें आप फिर से जिताइए और भाजपा की सरकार बनाइए। आप 2023 में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाएं, 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनाएं। खड़गे साहब वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष केवल नाम मात्र के मुखौटा है। खड़गे जी का नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। पीछे सूरज है मैडम सोनिया गांधी की, कंट्रोल उनका है, मुखौटा खड़गे साहब है। और खड़गे साहब ऐसे अध्यक्ष है कि जब रायपुर गए कांग्रेस के अधिवेशन में, गर्मी बहुत थी, बूढ़े तो खड़गे साहब भी बहुत है, छाता निकाला गया, लेकिन खड़गे साहब के सिर पे छाता नहीं लगा, छाता लगा तो मैडम सोनिया गांधी के सिर पे लगा। खड़गे साहब खड़े रह गए, ये नाम मात्र के अध्यक्ष है। खड़गे जी का रोज अपमान होता है, और वैसे भी कांग्रेस को आप कर्नाटक में देख लो, कांग्रेस को एक पार्टी नहीं बची है, एक बीते शिव कुमार, एक सिद्ध रमैया, आजकल हमने सुना एक बस में घूम रहे हैं।